तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी बज रहा है सुबह के 7:30 और गाइस आज हो रहा है रात से बारिश और अभी 7:30 ही बज चुका है, हमारे मंडी जाने का समय हो चुका है। लेकिन यार पानी गिर रहा है तो जाए कि ना जाए ऐसे लग रहा है यार। और रात से हो रहा है ना अम्मा, रात कन के गिरा थी और लाइट भी नहीं है यार। लाइट ना जितना समय से बारिश स्टार्ट हुआ था फिर से मतलब लाइट आया था फिर गोल हो गया है और घर में पीने के लिए भी पानी नहीं है। गाइस आज है रविवार तो यार पानी गिर रहा है ना तो जाने का भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि ना धनराज का बाजार रहता है, वहाँ का बाजार जो है ना बहुत ज्यादा गिरा हुआ है पूरा, यानी कि अपना सब्जी बिक नहीं पाता है। कहीं कहीं मतलब किसी दिन बस सब्जी बिके अपने, उसके बाद पूरा सब्जी बच के आ ही जाता है। और ऊपर से टमाटर भी महंगा हो गया है, अगर टमाटर को लेकर आएंगे ना तो वहाँ पर 40 रुपये किलो में बिकेगा ही नहीं, 20 रुपये 10 रुपये किलो में तो 2 क्रेट बिकना मुश्किल हो जाता है, तो 40 रुपये में क्या ही बिकेगा यार। और ये देखो भाई छोटू अभी सोया है, सो के नहीं उठा है, उठ गया था फिर सो गया है, जाएंगे कि नहीं ब्रो? ओए जाएंगे नहीं सब्जी खरीदने? तार तो बच गया है, फिर चलो, मैं तो तैयार ही हूँ, चलो। तो गाइस यार अभी हम लोग मंडी जाने के लिए निकल चुके हैं यार, और ना अभी पानी गिर रहा है, सवेरे टाइम अभी गिर रहा है तो शाम के छोड़ देकर करके जा रहे हैं यार। और पानी गिर रहा था ना तो सब्जियों का रेट भी बढ़ जाता है क्योंकि ना सब्जी तोड़ते नहीं बनता है और सब्जियां कम आते हैं तो रेट बढ़ जाता है। तो देखते हैं अभी जा रहे हैं तो क्या क्या रेट में लेते हैं सब्जियों को। और गाइस दीपक भी हमारे साथ जा रहे हैं यार, और दीपक अपन लोग हो गए तैयार गाइस, तो चल रहे हैं सब्जी मंडी, देखते हैं क्या क्या सब्जी आया है मार्केट में, उसके हिसाब से लेते हैं। ये करेट है उसको डाल देता हूँ, उसका गाड़ी वहाँ पर खड़ा करके जा रहा है क्योंकि ये देखो पानी गिर रहा है ना तो भीग जाएगा करके हमारे गाड़ी में जा रहा है। बूंदा बांदी हल्का हल्का कर ही रहे ना, छोड़ा नहीं है अभी तक। यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तखतपुर मंडी सब्जी खरीदने के लिए, चलो देखते हैं अब क्या क्या सब्जी खरीद के लेके आते हैं। तो गाइस यार ये देख सकते हैं इसी से भाजी से शुरुआत किया है और भिंडी भी ले लिया है, बैगन भी ले लिया है पूरा, और ये भाजी को लिया है 13 रुपये किलो में जो कि 28 किलो चेज भाजी है, और इसमें भिंडी है 17 रुपये किलो में ना 25 किलो भिंडी ये बोरी में भरा है। और ये देखो और ये भिंडी जो है 18 रुपये किलो का, ये देखो भिंडी जो है बहुत रेट बढ़ गया है भिंडी का, और बैगन 2 बोरी में देख सकते हैं। छोटू छोटू बैगन कब तक है? 28 रुपये किलो का यार बैगन जो है, ये देखो यार जितना भी सब्जी लेना था यार ले लिया है, और यार ज्यादा कुछ नहीं लिया है और वीडियो भी ज्यादा नहीं बनाया है, और बस कम से कम 20-30 सेकंड का मंडी में बना होगा। आलू लेते हैं यार फिर सीधा चलते हैं घर। तो गाइस यार अभी बज चुका है 4:50 और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं धनराज का बाजार, आज है रविवार। और गाइस बाजार से आने के बाद यार आज नहाया ही नहीं हूँ और लाइट भी नहीं था यार तो नहीं नहाया हूँ, और गर्मी भी नहीं लग रहा था तो अभी जाके नहाऊंगा यार, और कपड़ा भी नहीं चेंज किया हूँ उसी कपड़ा में दिख रहा हूँ। और चलो अपना दुकान लगाते हैं फिर दिखाते हैं कि अपने पास क्या सब्जी है, उसको मार्केट में तो नहीं दिखाया था यार मंडी। तो फाइनली गाइस यार अभी अपना दुकान जो है लग के रेडी हो चुका है, चलो सब्जियों का रेट बता देता हूँ क्या क्या रेट में बेच रहे हैं। तो गाइस यार ये देख सकते हैं 850 रुपये क्रेट वाला टमाटर, 1 क्रेट वहाँ है 1 क्रेट वहाँ है, 2 क्रेट ले के आए थे, और वो वाला कल का है, वो वाला कल का जो वहाँ पर डाले वाला, और ये देखो ऊपर से मस्त है लेकिन अंदर से कच्चा कच्चा भी है, सजा के रखा है पूरा। तो चलो गाइस यार भाजी से शुरुआत करता हूँ, भाजी अपना 13 रुपये किलो का है जिसको बेच रहे 30 रुपये किलो, और टमाटर को दे रहे हैं इसको भी 30 रुपये किलो दे रहे हैं कल की है तो, और ये देखो कोचे कल का बचा हुआ है इसको भी 30 रुपये किलो दे रहे हैं, बैगन को दे रहे हैं 40 रुपये किलो जो कि 28 रुपये किलो खरीदी का है, और अपना ये वाला भिंडी जो है 17 रुपये किलो का जिसको बेचे हैं 30 रुपये किलो, और 18 रुपये किलो वाला उस बोरी में है, कद्दू भी है 20 रुपये किलो जो कि 14 रुपये किलो का है, और ये देखो कटहल भी लेके आए 7 रुपये किलो में 20 रुपये किलो बेच रहे हैं, टमाटर को दे रहे हैं छोटू टमाटर कद का बेचा था वाले ये वाला टमाटर 40, आलू भी है 40, प्याज भी है 40 रुपये किलो, दोनों 40-40 रुपये किलो, और ये देख सकते हैं इतना कुछ है वो वाला जो है 850 वाले है 2 क्रेट वहाँ पर रखा है, 1 यहाँ पर रखा है, देख सकते हैं इतना कुछ है। और देख सकते हैं गाइस अभी धूप भी पूरा निकल गया है, मस्त है मैंने पूरा।
छोड़ दी वो खाते जितना बता दी उतना चालीस टमाटर चीज अभी एक किलो चाहिए तेज भाजी पांच के धनिया दे दो भैया भिंडी वाले से सकल लेते टमाटर 20 रुपए किलो 20 रुपए किलो तो गाइस यार ये देख सकते हैं पूरा मार्केट खाली हो चुका है। और ये देखो इसको तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, कोंचाई को बच गया है और बाकी सब्जी तो ठीक ठाक बिक है। ये देखो टमाटर भी बिक गया है समझ यार, पूरा खराब वाला टमाटर जो बचा है पूरा गुलगुला हो गया है और कच्चा है वाला। ये देखो बैगन बचा है थोड़ा सा, 4-5 किलो लगभग होगा बैगन जो है। भिंडी तो पूरा बिक गया दोनों बोरी यहाँ पर जो था पूरा। टमाटर यहाँ पर भी थोड़ा सा ही बचा है, आधा क्रेट से भी कम होगा। और आलू प्याज थोड़ा ज़्यादा बचा है देख सकते हैं, आलू तो एक बोरा ही होगा और वो देखो प्याज है आधा क्रेट होगा, तो इतना कुछ बचा है। कटहल पक गया इस कारण नहीं बिका और इसमें पूरा कीड़ा चिपक गया है, बत्तर जो उड़ रहा था वही वाला। ये देखो पूरा चिपक गया, जिंदा भी है दूध में इसका।
इसमें रिचीव का है। चलो गाइस यार, बचे हुए सब्जी को अब जल्दी जल्दी उठा लेते हैं। फाइनली गाइस यार, सभी सामान को उठा लिए है और गाड़ी में हो चुका है पैक। और चलो गाइस सीधा चलते हैं यार घर। घर जाके नहाना भी पड़ेगा क्योंकि आज नहाया नहीं हूँ और गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रहा है यार। तो सीधा चलते हैं घर। तो फाइनली गाइस यार, हम लोग पहुंच चुके थे बाजार से घर और अभी आके यार नहा भी लिया है। और गाइस आज की मार्केट की बात करते हैं यार, आज का मार्केट जो है बहुत ही बढ़िया रहा। अच्छा बिका यार सब्जियाँ, लेकिन पूरा तो बिक नहीं पाता है, बच ही जाता है। और 3 कैरेट टमाटर बेचे ले दे के, और जो 30 रुपये बेच रहे थे उसको 20 रुपये बेचे, और जो 40 बेच रहे थे उसको 30 रुपये करके बेचे, तब जाके 3 कैरेट टमाटर बिका और थोड़ा सा बच ही गया मतलब 3 कैरेट में यार। चलो गाइस यार, बाकी का हिसाब किताब जो है सवेरे टाइम ही करेंगे, तो सीधा सवेरे टाइम मिलेंगे। हेलो गाइस यार, गुड मॉर्निंग। तो गाइस कल थे यार रविवार, जो कि गाइस कल था धनराज का बाजार। और कल की बाजार की बात करते यार, कल का बाजार बढ़िया था और अपना भिंडी जो है पूरा बिक गया था, कटहल बिक गया था, कद्दू बिक गया था और सेज भाजी पूरा बिक गया था। तो कल का मार्केट जो है यार कुल मिला के बहुत बढ़िया था। अपना आलू भी एक बोरा बिका, प्याज भी बिका यार आधा करेट, मतलब ना आधा करेट से कम थोड़ा बचा था, एक बोरी लेकर गए थे जिसमें का, तो बढ़िया बिका यार। टमाटर भी 3 कैरेट बेचे, 3 कैरेट में से मात्र थोड़ा सा बचा है और वो खराब वाला अलग यार। और इस समय का टमाटर में यार अपना कमाई नहीं हो रहा है क्योंकि ना टमाटर खरीदी महंगा पड़ता है और कम रेट में बेचना पड़ता है यार। एकदम से ना लूज माल आता है, मतलब गुलगुला टमाटर तो अच्छा रेट में नहीं बिक पाता है यार। तो टमाटर में ना बहुत ज्यादा मतलब अपने को नुकसान हो रहा है इस समय यार, पैसे तक बनना मुश्किल होगा इस समय टमाटर में, इतना खराब आ रहा है टमाटर जो है। और वैसे भी यार कल का बाजार में ना उतना खास सब्जी नहीं बिकता करके कम कम सब्जी लेकर गए थे। और अपना कुल टोटल सब्जी था यार 7,500, मतलब ना 7,510 रुपए का सब्जी था, मतलब 7,500 समझो, जिसको हमने सेल किया था 7,200 रुपए का, 7,200 रुपए का हमने सेल किया था यार। और ना गाइस जो सब्जी बिके है उतना का प्रॉफिट जोड़े तो अपना पूरा प्रॉफिट हो चुका है यार। जैसे कि ना भिंडी हम लोग कल 60 किलो बेचे 30 रुपए किलो में, जो कि 17-18 रुपए किलो में लेकर गए थे, 25 किलो को 17 में लेकर गए थे, 35 किलो को 18 में लेकर गए थे। तो कल हम 30 रुपए किलो बेच रहे थे, तो भिंडी में ही मान के चलो 600 रुपए, लगभग 600 रुपए ही मान के चलो, 600 रुपए प्रॉफिट हो चुका है। और वैसी भाजी में यार, भाजी में भी अपना मस्त प्रॉफिट हुआ, 30 रुपए बेच रहे थे, 30 रुपए नहीं बिका तो 1 किलो 25 बेच रहे थे, जो कि 29 किलो भाजी था। और गाइस अभी अपने पास यार एक बोरा आलू है, थोड़ा सा प्याज बचा हुआ है, 1 कैरेट टमाटर है 850 कैरेट वाला, तो वही जो सब्जी बचा है यार वही अपना पूरा प्रॉफिट है। और वैसे प्रॉफिट की बात करें तो हो चुका है यार, लेकिन ना अभी 7,200 रुपए का हमने सेल किया है, 300 रुपए अपने को पैसा बनाना बाकी है। 300 रुपए पैसा बन जाने के यार जितना जो अपना प्रॉफिट बनेगा वो कल पता चलेगा, सब्जी बिक जाने के बाद जो थोड़ा थोड़ा बचा है उसको ना अभी लेके गए हैं गांव घूम के बेचने के लिए, तो कल ही पता चलेगा यार। तो आज के वीडियो जो है यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग आज के वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आप लोग सही सब्जी क्या के रेट में बिक रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम गाइस।